दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना इंटरनेट डाटा सेल करके पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले बताना चाहूँगा, अपन लोग पर डे नेट का इस्तेमाल करते हैं और अपन को डेली लिमिट से डाटा मिलता है। अगर जो डाटा आपका बच गया है, अगर वो बिक के कुछ पैसे अपन को मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। हाँ, इतना पैसा नहीं कमा सकते कि आप करोड़पति बन जाएंगे, हाँ इतना ज़रूर कमा सकते हैं कि आप अपने हर रिचार्ज को फ्री कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना इंटरनेट डाटा सेल करके पैसे कमा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्जरी। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, करना क्या होगा, आपको आपके जो मोबाइल में जो गूगल क्रोम ब्राउजर है, सिंपल उसको ओपन करना होता है। अगर वो नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके आप सर्च कर सकते हैं गूगल क्रोम। यहाँ पे देखिए, सर्च करेंगे अपन, देखिए ऊपर यहाँ पे लिखिएगा गूगल क्रोम। जब सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस बताएगा, सिंपल इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर आपको इसको ओपन करना होगा। वैसे कई लोगों के मोबाइल में ये पहले से ही डाउनलोड रहता है, देख सकते हैं ये डाउनलोड मेरे मोबाइल में है, आप देख पा रहे हैं, सिंपल आप देख पाएंगे ये वाला। तो आपको गूगल क्रोम को ओपन करना होता है, ज़रूरी नहीं है गूगल क्रोम को ही ओपन करें, जो भी ब्राउजर का आप इस्तेमाल करते हैं उसको भी ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। जब आप गूगल क्रोम को ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ लिखा है सर्च और टाइप वेब एड्रेस। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे सर्च करना होता है हनी गैन। ये देखिए स्पेलिंग देख लीजिए, इसकी स्पेलिंग है HONEYGAIN हनी गैन। ये सर्च कीजिएगा तो आपके सामने पहले नंबर पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है हनी गैन की, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। सिंपल देखिए आपको अब करना क्या है, आपको सिंपल यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव ऑल, आप देखिए लिखा है एक्टिव ऑल, आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना होता है। जब क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब सिंपल आपको नीचे आना होता है तो यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आता है, इसको काट दीजिएगा पहले। तो यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ लिखा है डाउनलोड फॉर एंड्रॉइड, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इसको डाउनलोड करने से पहले आपको एक जरूरी बात बताना चाहूँगा, अगर आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करते हैं तो आपको $5 मतलब ₹250 के आसपास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ये जो लिंक है मैं आपको वीडियो को इनके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसको सीधा ऐसा खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है क्लेम $5 now, ठीक है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके लिए $5 का बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, काम तो करेगा लेकिन फ़ायदा नहीं मिलेगा, यहाँ आपको $5 एक्स्ट्रा फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, मेरी लिंक पर क्लिक कीजिएगा, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बटन दबाएंगे तो वहाँ लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको क्लेम नाउ पर क्लिक करना होता है। जब क्लेम नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाता है। दोस्तों, फर्स्ट टाइम आपको इस पर साइनअप करना होता है, आप चाहें तो यहाँ पे अपना फेसबुक अकाउंट के माध्यम से या गूगल के माध्यम से भी साइनअप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल चलिए मैं गूगल से साइनअप कर लेता हूँ, ये मैंने क्लिक करा। जब मैं क्लिक करूँगा तो आपके मोबाइल में जो भी जीमेल आईडी खुली होंगी वो सभी यहाँ पे जीमेल आईडी आपको देखने को मिल जाती है। अगर एक ही होगी तो एक देखने को मिलेगी, अगर एक से अधिक आपकी लॉगिन होंगी तो एक से अधिक देखने को मिलेगी। अब जिस भी आपकी जीमेल आईडी से आप इसको साइनअप करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं एक आईडी पर क्लिक कर देता हूँ। जब आप क्लिक कर देंगे तो कुछ सेकंड आपको वेट करना होता है, लिखा आता है वंस मोमेंट। तो आप देख पाएंगे ये ऑटोमेटिकली ये साइनअप होने लगा है, मतलब आप देख सकते हैं आपका अकाउंट खुल चुका है। अब ध्यान दीजिए, जो आपका अकाउंट पूरा बन चुका है, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा आपको करना क्या है, पूरी स्टेप को बिल्कुल बारीकी से फॉलो करना है। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आते हैं। देखिए पहले तो यहाँ आपको बोलेगा सेटअप डाउनलोड द हनी ऐप टू स्टार्ट अर्निंग। तो यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ लिखा है डाउनलोड फॉर एंड्रॉइड, डाउनलोड फॉर विंडो और डाउनलोड फॉर मैक। आपको बताना चाहूँगा, इसको आप मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने मैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको काट देते हैं, काटते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके सामने पॉपअप नहीं आता है तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल के बटन पर क्लिक कर देंगे एंड्रॉइड वाले पर, देखिए लिखा है एंड्रॉइड, सिंपल यहाँ पर क्लिक करिएगा। जब क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड यहाँ वेट करना होता है और आपके सामने फिर ऐसा ऑप्शन आ जाता है, लिखा रहता है डाउनलोड, ये लिखा है डाउनलोड, ठीक है। देखिए आपको सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करना है। जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ लिखा है ओके, देख सकते हैं लिखा है ओके, आपको सिंपल ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ सेकंड या कुछ मिनट वेट करना होगा, ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा।
फिर आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। अगर आपके सामने ऐसा नहीं आ रहा है तो आप ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको तीन लाइन देखने को मिलती है, इस पर क्लिक करके आपको आना होता है यहाँ पे डाउनलोड पे, तो आप देख पाएंगे आपको जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना होता है, जब क्लिक करते हैं तो ये इंस्टॉल के लिए पूछता है, तो आपको सिंपल यहाँ देख पाएंगे लिखा इंस्टॉल, तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कुछ सेकेंड आपको वेट करना होता है। जैसे कि अपन वेट कर रहे हैं, अभी देखिए ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इस पर ओपन पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, अगर आप डन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डन पे तो ये डन हो जाएगा। चलिए फॉर एग्जांपल अपन डन पे क्लिक कर देते हैं, अब आपको इसको बंद कर देना। चलिए बंद कर देते हैं। आपके मोबाइल में आप देखेंगे कि आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको हनी ऐप का एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर इसको आप क्लिक करिएगा। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, तो यहाँ आपको कुछ सेकेंड वेट करना होता है और यहाँ पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, चाहे तो उनको आप पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो बताना चाहूँगा ये एप्लीकेशन बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका मोबाइल का डाटा या लेता है, वाईफाई का लेता है, तो वो अन्य कंपनी के साथ शेयर करता है, जिसको वो लोग इस्तेमाल करती हैं अपने काम के लिए। होता क्या दोस्तों, अपन को पर डे 2 GB या 3 GB डाटा मिलता है और अपन 1 GB इस्तेमाल कर पाते हैं और अपना 2 GB एक्स्ट्रा बेस्ट हो जाता है, तो उस बेस्ट डाटा को ये इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले अपन को पैसे देते हैं। आपको सिंपल आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ यूज पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए नीचे वाले पे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे लिखा है हाउ हनी कैन वर्क, तो उसको वर्क कैसे करते हैं बताने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो इसको क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं, बाकी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। सिंपल आपको इस पे क्लिक करना होगा, स्किप इंट्रोडक्शन ये लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा यूज मोबाइल डाटा, तो आपको सिंपल एस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेट डाटा लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं, कितना आपको भैया पर डे ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, 100 MB, 200 MB, 300 MB। तो फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं अपन MB पे और यहाँ पे कर देते हैं अपन 100 MB, ये मैंने लिख दिया 100 MB। आप चाहें तो जितना आपका बेस्ट है उतना लिख सकते हैं, या आप जितना आपको उचित लगे उतना कर दीजिएगा। इतना करने में नहीं जाना आपके लिए, सिंपल है ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इस पर लिखा है डन, देखिए लिखा है डन, आपको डन पे क्लिक करना है। जब डन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, इस पर लिखा है अर्निंग मेनी वी लिमिटेड, तो आपको बताना चाहूँगा ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तभी आपका एप्लीकेशन आपको पैसे कमा के देगा। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे, डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, तो इसका मतलब ये कि आपका जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड भी रन करता रहेगा, जिससे आप ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। सिंपल आपको क्लिक करना होता है डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। जब क्लिक करेंगे ये आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, लेस अलाउ रन इन बैकग्राउंड, तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना होता है अलाउ पर, ये वाला अलाउ क्लिक कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद आपको बता रहा है ये एप्लीकेशन की भाई इसको आप अपने मैकबुक में भी, विंडो में भी और अपने एंड्रॉइड फ़ोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसको ओके कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके डोंट शो मी अगेन इस पर क्लिक करेंगे, जिससे आपको ये पॉपअप दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, ओके पे क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं यह आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें 2-3 ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे लिखा है साइन अप, देखिए लिखा है साइन अप, सिंपल आपको सिंपल साइन अप पे क्लिक करना होता है। चलिए क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपकी ईमेल आईडी थी वो ईमेल आईडी आपको डालना होगी, चाहे तो आप सिंपल यहाँ पे साइन अप विद गूगल पे क्लिक कर सकते हैं, वाला जो अपन ने यहाँ पे पहले किया हुआ था। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी आईडियाँ लॉगिन होंगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती हैं और ये जो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आप देख पाएंगे कि आपके सामने ऐसा ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपको $5 यहाँ पे मिल चुके हैं, क्योंकि अपन ने मेरी जो आपने लिंक दी थी ना, मैंने आपको लिंक, उस लिंक से आपने क्लिक करा, उसके बदले आपने अपना अकाउंट बनाया जिससे आपको इस एप्लीकेशन द्वारा $5 दे दिए गए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख पाएंगे कि पूरा पढ़िए, देखिए पूरा लिखा है कि कलेक्ट $20 टू रिक्वेस्ट पे आउट, मतलब कि जब आपके $20 यहाँ पे हो जाते हैं तो सीधा आप इसको पेमेंट अपना निकाल सकते हैं पेपल के माध्यम से। नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पूरा आप देख सकते हैं कि आपकी आज नेट इसने कितना इस्तेमाल करा, कल कितना करा, परसों कितना करा, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देखने को मिलती रहती है ना। उसके अलावा दिखाना चाहूँगा, अगर मोड़ पर क्लिक करते हैं आप देखिए, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, तो यहाँ आपको देखने को मिलता है एक्टिव डिवाइस। जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी आईडी को आपके एक मोबाइल में खोल के रखा है, एक्टिव डिवाइस या कंप्यूटर में जितने भी मोबाइल में खोल के रखा हुआ है और जिनसे भी डाटा इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ आपको एक्टिव डिवाइस के आपको नाम देखने को मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से उनको मैनेज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मोड़ वाला, देखिए सिंपल आपको इसको मोड़ पर क्लिक करना होता है। जब मोड़ पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है, यहाँ आप देख पाते हैं कि मोबाइल डाटा लिमिट, तो आप देख पाएंगे आपका 100 MB डाटा ये लेगा एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ आपको देखने को मिल जाता है कि मेल आईडी देखने को मिल जाती है और आपका कितना डॉलर यहाँ पर दिया हुआ वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री,
अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आप कितना पेमेंट आप निकाल चुके हैं, कितना आपका बना हुआ है, यह पूरा आपको देखने को मिल जाता है। अभी हम यहाँ देख पाएंगे कि आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कन्फर्म मेल का, लेकिन बताना चाहूँगा आपको कन्फर्म मेल कब करना है। कन्फर्म मेल आपको तब करना है जैसे कि मान लीजिए ये आपके डॉलर हो जाते हैं, $5 हो जाते हैं पूरे, सॉरी $20 हो जाते हैं, ठीक है, तब आप कन्फर्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर अभी भी करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, सिंपल आपके लिए कन्फर्म मेल पे क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा कन्फर्म मेल, तो आपको कन्फर्म मेल पे क्लिक करेंगे अपन। देखिए तो यहाँ लिखा है ईमेल कन्फर्म सेंड, तो आपको करना क्या होता है आप ध्यान दीजिए बिल्कुल बारीकी से। आपको सिंपल आपकी जीमेल आईडी है, आपको अपनी जीमेल आईडी को ओपन करना होता है। देखिए अपनी जीमेल आईडी कहाँ है दोस्तों, मैं इस वीडियो के लिए पूरी जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल बारीकी से। अब जिस भी आपने मेल आईडी से अकाउंट बनाया हुआ है वो मेल आईडी को अपने खोलना होता है। चलिए मैं अपनी मेल आईडी खोल लेता हूँ जिससे अपन ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है। तो यहाँ आप देख पाएंगे ये अपडेट आ गया है हनी टीम की साइट से, इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद सिंपल लिखा हुआ वेरीफाई यूर ईमेल एड्रेस, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है जिस पर लिखा है वेरीफाई ईमेल। ये देखिए सिंपल आपको वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, अगर इसको आप चाहें तो क्रोम में खोल सकते हैं, नहीं तो आपको अपने एप्लीकेशन है हनी गेम का सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे कुछ सेकंड वेट कीजिएगा तो आप देख पाएंगे जो आपका अकाउंट है यहाँ पर पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपको जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरे ऑप्शन खुल चुके हैं आपके, और यहाँ पर आते हैं मोर पे, तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ पे आउट का आपको ऑप्शन देखने को मिलने लगा है जो कि पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। अब करना क्या होता है, जब आपके दोस्तों यहाँ पर $20 पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तभी आप यहाँ से पे आउट अपना निकाल सकते हैं पेपल के माध्यम से। इस तरीके से दोस्तों अपने मोबाइल डाटा को सेल करके पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको आज 3GB डाटा मिला हुआ है और 3GB में दोस्तों आपने मान लो 1GB इस्तेमाल करा है, और अगर आप डाटा लिमिट सेट नहीं करते हैं तो 2GB ये एप्लीकेशन डाटा को आपके ले लेगा, उसके बदले आपको पैसे देगा और $20 होने पे मतलब $20 होने पे ये आपको पैसे आपके अभी अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी मेरे अकाउंट में $5 हैं जो कि आपके अकाउंट में भी मिल जाएंगे अगर आप मेरी लिंक से क्लिक करते हैं। जैसे ये $20 होते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे पे आउट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने हनी ऐप्स के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं अपना इंटरनेट डाटा सेल करके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।